ये हमारे पास सैमसंग की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है कि स्टार्ट का बटन काम नहीं कर रहा, यानी कि किसी भी साइकिल में आप चले जाएं तो ये सारे स्किन ऑप्शन काम कर रहे हैं, ठीक है, सब काम कर रहे हैं। मसला स्टार्टिंग का बटन का आ रहा है, तो जैसे हम स्टार्ट पे ले जाते हैं एक बीप की आवाज़ आई है, आपको स्टार्ट का बटन काम नहीं करेगा। तो इसका आसान सा तरीका है, ये हमारा टेस्ट मोड है, ठीक है, टेस्ट मोड के ऊपर ये सारी लाइटें आपकी ऑन हो जाएंगी। इससे ये आपको दिखने में आएगा कि आपके ना कौन सा पीसीबी का लाइट ख़राब भी होगा जब भी पता चल जाएगा, और कौन सा ऑप्शन काम नहीं करे सब पता लग जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे, अगर ये साइकिल यहीं से हमारी कंप्लीट हो जाती है तो इसका मतलब है कि हमारा सर्किट बिल्कुल ओके है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट होनी चाहिए। अगर ये यहीं पे आके रुक जाता है तो इसका मतलब है हमारा पीसीबी सर्किट ख़राब है, ठीक है। इसको लगा लेते हैं, ये हमेशा दो बटन को प्रेस करना पड़ता है, देखिए ये दो बटन को आप प्रेस करेंगे फिर इसको ऑन करेंगे, ठीक है, ये आ गया। ये साइकिल आगे नहीं चल रहा है, यानी कि इसमें सर्किट बोर्ड ख़राब है जिसकी वजह से ये स्टार्ट का बटन काम नहीं कर रहा है। किसी भी ऑप्शन में आपका ये काम नहीं करेगा, ये देखें यहाँ भी नहीं कर रहा है, कहीं भी नहीं कर रहा, इसका मतलब ये मेन पीसीबी का बोर्ड ख़राब है।